दोस्तों, दिस इज भावना पुरी एंड आई वेलकम यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड की सेकंड पोयम, जो कि है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सो बच्चे, जो आपकी पोयम है उनके जो पोइट है वो है स्टेफन स्पेंडर। बेसिकली ये जो पोइट है वो बहुत ही अच्छे एसेस्ट भी रह चुके हैं, उनको पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो जो बताना चाह रहे हैं ना बेसिकली इस पोएम में, वो किस बारे में बता रहे हैं कि किसी भी एक सोसाइटी में, किसी भी एक एरिया में जो रहने वाले बच्चे हैं, जो पुअर पीपल है, राइट, जो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो मैं लाइन टू लाइन आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट करें जरा लाइन टू लाइन। तो जो आपकी फर्स्ट लाइन है इस पोएम में वो है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैल। बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है भाई, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी कि जो इनजस्टिस है ना हमारी सोसाइटी की, उसके बारे में इस लाइन में बताया जा रहा है कि वो जो बच्चे हैं, एक स्लम की बात हो रही है, स्लम के क्लासरूम की बात हो रही है, वहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं किसी स्कूल के, किसी क्लासरूम के, उनसे कैसे डिफर करते हैं। तो जस्टिस उनको नहीं मिल पा रही है, इस बारे में जो पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि जो बच्चे उस रूम में बैठे हुए हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ पर देखिए कंपेरिजन किया हुआ है, रूटलेस वीड्स का क्या मतलब है भाई, देखो मतलब कंपेरिजन जो किया गया उसमें ये बता रहे हैं कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, वो अनडिजायरेबल जो प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट के साथ अनवांटेड जो वीड्स ग्रो कर जाती हैं, उसकी तरह इनको बोला जा रहा है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। मतलब वो जो लंबी सी लड़की क्लास में बैठी हुई है अपना हेड डाउन करके, सिर झुका के बेंच पर क्यों बैठी है भाई, वो अपना सिर झुका के, बेसिकली वो बिलोंग करती है पॉवर्टी से, यानी कि वो इतनी पुअर है कि मतलब वो टेंशन में, उसको स्ट्रेस है किसी चीज़ का। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है द पेपर सीमिंग बॉय, अगेन यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, जो मेटाफर सिमिली जो पर्सोनिफिकेशन, ये जो आप बहुत सारे पोएटिक डिवाइस पढ़ते हो उसमें से मैं आपको बता दूँ, मेटाफर हम तब यूज़ करते हैं जब लिविंग नॉन लिविंग में कंपैरिजन किया जाए, है ना, या फिर कोई अटपटी बात बोली जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कोई एक सोल्जर, कोई भी एक ऐसा बंदा है जो कि दहाड़ रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो हम बोलते हैं वह शेर की तरह दहाड़ा, है ना, या फिर कई बार हम बोलते हैं कि उसने वॉर में जाकर वो वॉर में जाकर दहाड़ा, तो सिंपल बोला, मैंने शेर नहीं बोला, तो हमने कंपेयर कर दिया ना उसको, तो यहाँ पर आप मेटाफर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी हम एज वेल एज लाइक इन सब चीज़ों का, इन सब लेटर्स का यूज़ करते हैं, तो हम सिमिली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल डिजीज। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है बहुत ही पतला, बहुत ही थिन लड़का है, अगेन वो मालन्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, उनको प्रॉपर टाइम पर जो खाना मिलना चाहिए, जो सर्विस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है ना, जो है जैसे मतलब बहुत ही शार्प उसकी आंखें हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड मतलब जिसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से ना हुई हो। अनलकी हेयर, यहाँ पर HEIR लिखा है बच्चे, इसका मतलब उत्तराधिकारी, वो जो बच्चा है उसको अनलकी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसने अपने फादर से जो विरासत में चीज ली है, जैसे कई बार होता है ना कि जो पेरेंट्स वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देके जा रहे हैं, पैसा देके जा रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है ये अनलकी हेयर इसलिए है क्योंकि इसको अपने फादर से कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है, उसको डिजीज मिली है जिसमें उसकी हड्डियां बिल्कुल ट्विस्टेड हो चुकी है। ठीक है, गनाल डिजीज का नाम इसमें आपको गिवन है। आगे देखिए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो वो बच्चा बैठा हुआ है, उसके साथ ही एक छोटा सा बच्चा है जो कि क्लास में बिल्कुल लास्ट बेंच पे जाके बैठा हुआ है, अननोटेड मतलब कोई इसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो भी काफी पतला सा और स्वीट और यंग बच्चा है। ठीक है, उसकी जो आंखें हैं वो सपने में बिल्कुल मगन है, वो बिल्कुल डूबा हुआ है सपनों में, और एक्चुअल में वो जो सपना देख रहा है उसमें क्या है, स्क्वायरल गेम खेल रहा है, गिलहरी के साथ गेम खेल रहा है, पेड़ है बहुत बड़े बड़े, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा व्यू है, लेकिन वो रूम, इस रूम की बात नहीं हो रही है जिस स्लम के रूम में, क्लासरूम में वो बैठे हुए, नहीं, वो अपनी ही इमेजिनेशन में बिजी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्टैंजा है बच्चे, उसमें लिखा हुआ है, ऑन सो क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज स्टोम राइडिंग ऑल सिटीज बेलेड फ्लारी टायरोसील वैली ओपन हैंडेड मैप। इसमें क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो पूरी की पूरी वॉल है, दीवारें हैं ना उस स्लम के रूम की, चारों तरफ से एकदम सौर, यानी कि प्रॉपर फर्निश्ड नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारे डोनेशंस टंगी हुई है, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, कई बार वो अलग अलग चीज़ें डोनेट करके जाते हैं, तो उनके डोनेशन के रिजल्ट में वॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि शेक्सपियर का हेड है, कुछ मैप टंगे हुए हैं, कुछ लैंडस्केप्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यूज़ है
है ना। तो यहाँ पर जो लैंडस्केप है, टायरोसिल वैली दिखाया जा रहा है, डाउन दिखा रखा है या मून दिखाया हुआ है, ठीक है। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप भी उसमें है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये जो लाइन यहाँ पर है ना, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, बोला जा रहा है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो उस मैप में क्या उन बच्चों का स्लम है? बिल्कुल नहीं। तो वो मैप उनके किस काम का हुआ? जब जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो पर्टिकुलर प्लेस ही उस मैप में मेंशन नहीं है, तो उनको उस चीज के लिए मतलब उनके लिए तो वो यूजलेस हो गया, ठीक है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। उन बच्चों के लिए वो मैप उनका वर्ल्ड नहीं है, वो विंडोज ही उनका वर्ल्ड है जहां पर, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, ठीक है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल धुंध से भरा हुआ है, मतलब फॉगी उनका फ्यूचर है। आगे चल के वो क्या अच्छी चीज़ पा सकते हैं इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेट स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ओवर्ड। पतली सी गलियाँ हैं, बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है। जैसे हम देखेंगे ना कि ऊपर वायर्स लगे हुए होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, चिमनी में से स्मोक निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रहा है, ब्रीदिंग बिल्कुल सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कहीं भी जो सर्वाइवल के जो प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिसिटी होती हैं, वो सब चीज़ें उन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखो तो नेक्स्ट आपका जो स्टेंजा है, Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है जो शेक्सपियर हैं वो तो इतने ज़्यादा पॉपुलर, इतने ज़्यादा अच्छे, एक बहुत ही अच्छे पर्सन रह चुके हैं जिन्होंने इतने अच्छे नॉवल्स लिखे हैं, बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए उस समय पर वो जो उनकी पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर वहाँ पर टंगी हुई है, वो किस काम की है? जब वो प्रॉपर तरीके से जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो चीज़ें जो फील्ड वो डिटरमाइन करते हैं, जो चाहते हैं, जब वो चीज़ें ही उनको विजिबल नहीं, वो चीज़ें ही उनको नहीं मिल रही है, तो फिर उनके लिए जो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है वो तो यूज़लेस हो गया। मैप उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, बताइए क्यों? देखो क्या होता है कि वो चीज़ें जो कि हम इजीली मिल जाती हैं हमें, वो चीज़ें तो हम अपने पास रखते हैं, बट हम हमेशा उन चीज़ों को ही एक्सपेक्ट करते हैं, उन चीज़ों की ही डिज़ायर रखते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है अगर हम गुड मीन्स से अच्छे तरीके से उस चीज़ को पा सकते हैं सो वेल एंड गुड, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि अगर आपको वो अच्छे तरीके से नहीं मिले तो आप गलत डायरेक्शन में जाते हो, क्योंकि टेम्पटेशन, डिज़ायर, इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को पाना चाहते हो, है ना। तो सिमिलरली वो जो मैप वहाँ पर टांगा गया है उनके क्लासरूम में, उसमें इतनी अट्रैक्टिव चीज़ है, इतनी ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें दिखाई हुई है, लाइक मिडनाइट सीन्स दिखाए हुए हैं, वैली है, डाउन है, है ना, तो बहुत ही अच्छे जो सिटीज़ के, शहर के जो व्यूज़ होते हैं वो दिखाए हुए हैं, लेकिन जिस जगह पर वो बच्चे रह रहे हैं वहाँ का व्यू तो बहुत ही बेकार है। तो क्या उनकी टेम्पटेशंस नहीं बढ़ेंगी, उनकी डिज़ायर नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर होता है, राइट। तो अगर वो अच्छे तरीके से वो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही है, जब उनके पास सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो किसी गलत तरीके से उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो चोरी वगैरह करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि जो मैप है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल, और जो शेक्सपियर है वो विकेड है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होम्स, यानी कि उसमें जो पिक्चर्स हैं, जो लव है, जो सन है, जो शिप है, वो हर चीज़ उनको फोर्स करती है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? चोरी करने के लिए, टू स्टील यानी कि चोरी करना। उनकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली यूजलेस है, बिल्कुल वो जल रही है एक तरीके से होल्स में, क्रम्ड होल्स, जिस जगह पर वो रहे हैं उनकी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, बिना किसी रिसोर्सेज के आप कैसे किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो, राइट। तो उनकी जो लाइफ है बिल्कुल ख़राब है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग ही दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, यानी कि जिस जगह पर वो बच्चे रह रहे हैं उनका जो फ्यूचर है बिल्कुल फॉग में भरा हुआ है, मिस्ट में भरा हुआ है, धुंध में। कोई आगे चल के उनको रिसोर्सेज मिलेंगे भी यानी उस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। और वो जो बच्चे इतने ज़्यादा पतले हैं, इतने ज़्यादा हड्डी हैं, बिल्कुल क्यों? क्योंकि माल न्यूट्रिशन के शिकार है, प्रॉपर टाइम पर उनको फूड जो चाहिए अवेलेबिलिटी वो भी नहीं मिल पा रहा है ना। तो सोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन देयर स्लैग हीप, यानी कि कूड़े कचरे के ढेर में वो बैठे हुए हैं। फिर है यहाँ पर These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. जो चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं वो बिल्कुल स्टील के स्पेक्टिकल्स हैं, ठीक है। उनकी हड्डियाँ उनके स्किन में से बाहर निकल के झांक रही है, मतलब माल न्यूट्रिशन। अगेन वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, पतले हैं। With mended glasses like bottle bits on stones, all of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slum as big as dough. तो बेसिकली इसमें बोला जा रहा है विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर्ड। तो जो चश्मे उन्होंने स्टील के ग्लासेस पहने हुए वो रिपेयर्ड है, यानी कि ऐसे जैसे
आप किसी ग्लास के ऊपर स्टोन का यूज करके उस पर क्रैक ले आते हो ना, बिल्कुल उस तरीके से, तो जो उनका टाइम है, जो उसका स्पेस है, हर एक चीज फॉगी स्लम है, यानी कि उस बस्ती में उनकी जिंदगी वहीं पर ही खत्म हो जाएगी अगर हम लोग उनके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके जो मैप है उसको ब्लॉट करना है और उनके लिए बहुत ही ज्यादा जो फैसिलिटीज है उसको अवेलेबल करवाना है। सो बच्चे, जो लास्ट स्टैंजा है आपकी बुक में वो है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज That shut upon their lives like catacombs. Catacombs का मतलब कब्र होता है basically. तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब तक कोई गवर्नर, विजिटर या फिर जो ये लोग इंस्पेक्टर वगैरह हैं वो आकर उन बच्चों के मैप को ब्लॉट नहीं करते हैं, उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन को अवेलेबल नहीं करवाते हैं, फैसिलिटीज को अवेलेबल नहीं करवाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बच्चे अपने ही विंडो को तोड़कर वहां से भागेंगे, है ना। बेसिकली क्या होगा कि वो क्या चाहते हैं, जो उनके डिजायर्स हैं, जो उनके इच्छाएं हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से या पॉजिटिव मीन से पूरी नहीं हो पा रही है तो वो वहां से भागेंगे और नेगेटिव काम करना शुरू कर देंगे। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है, ब्रेक और ब्रेक यानी कि जब तक वो बच्चे वहां पर हैं, अगर आप उनके लिए फैसिलिटीज को अवेलेबल नहीं करवाते हो, प्रॉपर एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं करवाते हो, तो वो बच्चे अपने उस स्लम से वहां से भागते हुए सिटीज की तरफ जाएंगे, लेकिन वहां जाकर वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करेंगे चीजों को, नुकसान ही पहुंचाएंगे, है ना। तो जो पॉइंट है वो चाहता है कि जो विजिटर्स हैं, जो गवर्नर है, प्लीज वो कोई ना कोई एक इनिशिएटिव ले, एक स्टेप ले कि उनके लिए जो उनका वर्ल्ड है उनको वहां से फॉगी स्लम से बाहर निकालें, उनको जो गोल्ड यानी जो चमकती हुई जो सैंड है, जो रेत है, वहां पर लेके जाएं ब्लू कलर के आसमान के नीचे, ताकि वो लोग भी क्या करें, सन के अंडर रहने वाला जो सन की तरह जलता है, जो मेहनत करता है, उसी को ही विक्ट्री मिलती है एट लास्ट। तो जो पॉइंट है वो यही कहना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं, अगर आप उनको हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री के बारे में बताओ, वही इतिहास अगर देखा जाए तो वही लोग जिन्होंने हार्डवर्क किया, जिन्होंने मेहनत किया, उन्हीं को ही अचीवमेंट्स मिली, राइट। तो इसमें यही बोला जा रहा है, रन नेकेड इन टू बुक्स एंड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी कि हिस्ट्री कभी भी अनसिविलाइज्ड पीपल के बारे में बात नहीं करती है। हिस्ट्री इतिहास में आप उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ते हो जिन्होंने बिल्कुल सन की तरह शाइन किया है, जले हैं, मेहनत की है और अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीजें अचीव की है। तो जो पॉइंट है उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, बहुत ही अच्छा एक सिग्नल हम लोगों के लिए कन्वे किया है। वो ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप लोग कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे तो स्लम में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो विजिटर्स से, गवर्नर्स से और इंस्पेक्टर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग जाएं, उनको उनके स्लम से बाहर निकालें, एटलीस्ट वो बच्चे जिनकी इच्छा है, जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लें, उनको उनके जो फॉगी स्लम है वहां से बाहर निकालें। बहुत ज्यादा हड्डी है, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार है, उनको प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी करवाई जाए, है ना। तो क्योंकि जो एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं, जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। तो पॉइंट भी यही चाहता है कि उन बच्चों के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।